तो गाइस इतने दिन से स्पाइडरमैन की मूवी नहीं आ रही, आप सोच रहे होगे स्पाइडरमैन क्या कर रहा है। तो यहाँ स्पाइडरमैन थाईलैंड में आइसक्रीम बेच रहा है, देख रहे हो। अगर आप थाईलैंड फिल्म नहीं देख रहे हो स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन क्या करेगा? स्पाइडरमैन खाली टाइम में आइसक्रीम बेच रहा है। ये देखो, ये पूरा वार्म अप भूला नहीं है, वो अपना मकड़ा जाल फेंकना। तो गाइस आज है हमारा 15वां दिन थाईलैंड ट्रिप का, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट व्लॉग में विद स्पाइडरमैन आइसक्रीम बेचते हुए थाईलैंड। और आज हम जा रहे हैं बैंकॉक बीच, और शाम की हमारी बस है बैंकॉक की। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मस्ती भरा होने वाला है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है फुकेत आइलैंड पे, समझ रहे हो। फुकेत एक टापू है जिसपे काफ़ी सारे बीचेस हैं। तो एक था काटानोई बीच जो सबसे नंबर वन पे कहते हैं लोग, और ये बैंकॉक, ये बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा सुंदर बीच बताते हैं। तो अभी हमारी 6 बजे की बस है, 1 बज गए, 5 घंटे में हमें जाके वापस भी आना है और फिर बस भी पकड़नी है। तो बड़ा एडवेंचरस वाला व्लॉग होने वाला है, जाएंगे बीच को देखेंगे, वापस फिर बस पकड़ेंगे, फिर कल है बैंकॉक। और कल अब 2-3 किलोमीटर रह गया बस उस वाले बीच से, और ये देखो मार्केट आनी शुरू हो गई है। इनकी जो मार्केट है ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बनाते हैं भाई, मज़ा आ जाता है देख के ना। किच पिच वाला मसला, हाँ बस तो भाई ये तो बड़ा पोर्श बीच लग रहा है मेरे को ना, बहुत ज़्यादा ही। अभी तक का जहाँ भी गए हम सबसे ज़्यादा पोर्श एरिया है ना। सी दिस, कितना खूबसूरत कॉलोनी काटी हुई है भाई। हम नियर बाय बीच ही हैं, बहुत ज़्यादा घर देखना है ना, वो देखो कैसे बनाए रखे हैं ना देख। और अब हम आ चुके हैं बैंकॉक बीच, इसका नाम कुछ और भी है, लगूना बीच भी बोलते हैं इसको। दिस इज बैंकॉक बीच। सो गाइज अभी हम आ गए बैंकॉक बीच पे। बैंकॉक बीच तो ये तो मुझे सबसे अलग ही लगा, मतलब अभी तक जितने बीच पे गए इसमें, मतलब ओनली फॉर लग्जरी वाला सिस्टम है। एक तो भीड़ बहुत कम है, बहुत अच्छी बात ही है, बट मतलब बिल्कुल लग्जरी वाला ही है। ये देखो रिजॉर्ट यहाँ पे बराबर में, बीच साइड ही रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट भी भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और प्राइसेस भी यहाँ पे डबल ट्रिपल है। मतलब ये मान लो वाटरमेलन शेक के अगर बाहर 50 बातें हैं, 120 बात का सिर्फ वाटरमेलन शेक है। बट ये देखो रिजॉर्ट बहुत तगड़े तगड़े बनाए हुए हैं, उनका बीच ही हैं सारे, और बहुत ग्रैंड ग्रैंड ऐसे इन्होंने वो बनाया हुआ। काटानोई है ना, पर काटानोई भी सेम ही था, पर काटानोई फिर भी सही लग रहा था मेरे को। तो यहाँ ऐसे बीच साइड ये हैं, वहाँ से आ रहे हैं। बीच भी बहुत बड़ा है, 1 किलोमीटर का है वहाँ से। पागल है क्या तू? ये अकेला बीच है वहाँ पे, 5 किलोमीटर का बीच है। हाँ 5 किलोमीटर का बीच है भाई ये। वहाँ से देखो नैना देख, स्टे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, और वहाँ से स्टे शुरू हो के अगर भाई रनिंग करने लगे ना, सुबह रनिंग करने लगे तो 10 किलोमीटर से नीचे की रनिंग नहीं बैठेगी अगर इस बीच पे ही सिर्फ रनिंग करोगे तो। तो अभी हम देख रहे हैं कोई ऐसा बीच साइड में मिल जाए, इस पर बैठते ना, क्या दिक्कत है ना। ये उधर कोने में बैठते हैं, उधर बोला अलग से बैठते हैं अपना। हम भी हाफ गए एकदम, चलते चलते ना एकदम मुश्किल से 1 किलोमीटर चले होंगे, और 1 किलोमीटर में हाफ गए हैं। बट हाँ यहाँ पे यही है, सारे एजड से दिख रहे हैं, मतलब यंग ग्रुप बहुत कम है मतलब यंग भी, बट ज़्यादा नहीं है। जो पेरेंट्स वगैरह के साथ है ना वो ही है यहाँ पे। चलो यहाँ पे बैठते हैं। मैंने मंगाया एक ओरेंज शेक, और नैना ने मंगाया वही कोकोनट शेक। देख देख के थक गए होगे, हर जगह कोकोनट शेक ही मंगाती है। और धूप बहुत तकड़ी हो गई, गर्मी हो गई बहुत तकड़ी यहाँ पे। और एक मंगाया हमने सैंडविच, और ये तो बहुत है यार, उसकी क्वांटिटी देखो। अब मैं बता देता हूँ प्राइस, ताकि तुम्हें याद रहे। ये 100 बात, ये 200 बात, वो भी 100 बात, मतलब 400 बात, मतलब कुल मिला के हो गया ये 1000 रुपये के आसपास का सौदा टोटल हमारा। बट यह है कि शेक एक नंबर है यहाँ का, मतलब शेक ओरेंज शेक का मतलब ओरेंज ही ऐसा लगेगा, पूरा मुंह में किसी ने ओरेंज ही निचोड़ दिया हो। और ऐसी ये है जो तुम्हारा नारियल पानी है, यहाँ का नारियल पानी नहीं, और वो ये है क्या कहते हैं शेक है, नारियल को बर्फ में शेक। इनका यहाँ शेक कैसे बनाते हैं पता है? नारियल पानी लेंगे, उसको बर्फ़ में डाल के मिक्स कर देंगे,
ओए नहर पानी से ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो पड़ गई है यहाँ पे बारिश, बज गए 3:06 हमारी बस है बैंकॉक के लिए और यहाँ पर आज बारिश थी, मैंने सुबह ही फोरकास्ट देख लिया था, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसी हिसाब से आए थे यहाँ पे। और हम अपना बैग वैग रख के आए अपने उसी हॉस्टल में, जेड नाइट हॉस्टल जो था। ये वाला जो बीच है ना बहुत ज़्यादा शांत है, मुझे ऐसा लगता है पूरे ही फुकेत में सबसे शांत बीच है, सबसे ज़्यादा आलीशान भी है, मतलब ये और जो था काटानोई बीच सबसे ज़्यादा आलीशान है, बट काटानोई पे थोड़ी हलचल ज़्यादा थी, इस पर बहुत ज़्यादा काम बीच है। और पता है फुकेत का सबसे बड़ा बीच ये है, 5-7 किलोमीटर का बीच होगा, देखो वहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ तक का बीच है। तो इस हिसाब से अगर आप ढूंढ रहे हो ना भाई एक लग्जरी वैकेशन हो, थोड़ा सा काम सा शांत सा, तो बैंकटाओ बीच में स्टे ले लो। यहाँ के आसपास की जो सोसाइटी है, कॉलोनी है, या जो भाई स्टेज भी है ना, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी स्टे है। मतलब अभी तक भी जहाँ भी मैं फुकेत में गया हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा लग्जरी स्टे इसी के हो, काम भी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, ये ज़्यादा गहरा भी नहीं, देखो वहाँ पर खड़े हैं और जितने भी बीच थे ना वो थोड़ा ज़्यादा गहरे हैं। ये वैसा याद दिला रहा, मतलब अगर समुंदर की बात की जाए ना तो बिल्कुल सेम टू सेम ये उसके जैसा है, अपना गोवा में पालोलम की तरह, पालोलम भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, इतना ही लंबा है, इतना ही बड़ा है। और ऐसे ही मतलब वहाँ पे तो खैर बीच साइड रिजॉर्ट है, वहाँ पे थोड़ा साइड में जाके, बट यहाँ पे थोड़ा लग्जरी है। और मैंने एक बात और देखी, यहाँ पे ज़्यादातर एजड, थोड़े ज़्यादा एज वाले कपल्स आपको मिलेंगे जिनको शांति चाहिए ना, वैसे हैं। पता नहीं रात का सीन क्या होता होगा पार्टी वार्टी का, और बस वही है, पेरेंट्स के साथ आए हुए बच्चे हैं। ये देखो वो एक्टिविटीज़ भी बहुत कम है कमर्शियल वाली, बट मुझे सबसे बढ़िया यही लगा, यहाँ पे अगर स्नॉर्कलिंग करूँ ना तो यहाँ पे स्नॉर्कलिंग का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि समुद्र बहुत दूर तक, देखो वही है, आप ज़मीन देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ ये फुकेत में ऐसे प्लान कर सकते हो आप, दो दो दिन हर बीच पे रहो, मतलब पहले ही स्टे बुक कर लो, दो दिन वहाँ। यहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, स्टेज भी बहुत सही हैं, और बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बीच जो है ना, पटोंग मान लो, या मान लो पटोंग बीच से कंपेयर कर लो तो महंगा पड़ेगा आपको ये काफ़ी ना, पटोंग बीच क्योंकि काफ़ी कमर्शलाइज्ड है, तो पटोंग बीच इसलिए सस्ता है, वहाँ पे ना चीज़ें कंपटीशन है, यहाँ पे कंपटीशन ही बहुत कम है। अरे देखो कितना काम है फुकेत में, इतनी कामनेस होना भी बहुत बड़ी बात है। रेत में पूरे पैर फंस गए, देख लो पैर कैसे हो गए। हमारा ये था कि 3-4 बजे तक रुकेंगे, बट अब बारिश हो गई, 4 बजे तक पहुँचेंगे हॉस्टल, फिर वहाँ से कैब लेके पहुँचेंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड से फिर शाम 6 बजे की बस है जो हमें सुबह 7-8 बजे उतारेगी, कहाँ पे, बैंकॉक में। और बैंकॉक में हमारा ऑलरेडी स्टे बुक्ड है। आज हमारा प्लान तो था कि भाई हम आज वाला दिन भी पूरा नहा नहा के गुजारेंगे, बट कल जब स्नॉर्कलिंग की है ना धूप में फीफी आइलैंड में, तो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि बार बार धूप पे, बार बार ठंडा, बार बार धूप, बार बार ठंडा, बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप थी वहाँ तो ना कल, बट ये है कि हाँ मज़ा आया पूरा। तो मेरे दिमाग में ऐसा रोड मैप बैठ गया है ना बैंकॉक फुकेत का, कि भाई जो बेस्ट ट्रिप है वो कैसे बनाई जा सकती है, तो इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे बैंकॉक फुकेत को ना बेहतरीन तरीके से बहुत ही कम पैसों में, यार बहुत ट्रिक्स हैं, मैंने देखा है, मेरा दोस्त जो है ना अभी आया था 4-5 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग करके गया वो, क्योंकि उसको कम चीज़ों का पता था, स्कूटी में भी डबल पैसे दिए उसने, हर चीज़ में डबल पैसे दिए। और ऐसा बहुत वो नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं पता होता ना पहली बार में तो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, बट चीज़ें हो सकती हैं बहुत कम पैसों में भी ना, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत कम पैसा लगा के बहुत ज़्यादा मज़े ले सकते हो। अभी जिस हॉस्टल में मैं आज रुका था जेड नाइट, एक नंबर हॉस्टल है, मुझे नहीं लगता फुकेत में उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है, मतलब कुछ और ही चीज़ होगी, 9.6 रेटिंग थी। और हाँ booking.com की रेटिंग पर हमेशा भरोसा करना, क्योंकि तो इसकी रेटिंग वाला जो हॉस्टल होता है वो हमेशा तगड़ा ही होता है। तो ये आ गया भाई गेट, यहाँ ये देखो जो मैं कह रहा था लग्जरी स्टेज, लेक के बराबर में घर वर बनाए हुए हैं, यहीं पर महीनों तक रह रहे हैं इन अंग्रेज़ों के बाद भी, ठीक है यार हल नहीं है, हल पानी, हमारे इंडिया वाले तो बेचारे 4-5 दिन में ऐसे रोज आते हैं, मतलब मुझे 2-3 मिले, मैंने बोला 17 तारीख को आया था, 17-18 दिन हो गए, ऐसा मुंह बनाया 17-18 दिन भाई कैसे, मतलब 17-18 दिन इनका ना, मतलब कैसे वीकेंड होता है, कैसे छुट्टी होती है, शॉर्ट ट्रिप बोलते हैं उसको। ये देखो और यहाँ जितने भी ये लग रहे हैं ना बाहर, ये इन्हीं के लग रहे हैं, वो होटल वाले उन्हीं लगा रखे हैं। चलो आने ना, और क्या करोगे, रुकने का क्या फ़ायदा है, बारिश तो बढ़ेगी,
कितनी निकलेगी अभी? ओ जैसे वो बोट देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसी बोट्स घूमती रहती हैं इस लेक पे, तो आपको आपके घर छोड़ेगी, घर से लेके जाएगी। ज़्यादातर यहाँ पे ना रशियंस ही रह रहे हैं। मैंने देखा इस बार थाईलैंड में मुझे सारे रशियंस ही मिले, ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत कम थे, बट ये सोसाइटी पर को एक नंबर लगी। यहाँ पे महीने के लिए, हफ्ते के लिए घर मिल जाते हैं, और पूरा मतलब कनेक्टेड है। ये रब देखो, वो रब बीच उधर और ये रही सोसाइटी। यहाँ पे अपना बोट को बुलाओ, बोट तुम्हारे घर पे आएगी तुम्हें लेने, और भाई वहाँ तक छोड़ेगी। वैसे तो पैदल जाने का भी रास्ता है, देखो पूरा पूरा, वरना बोट से भी, और अंदर तक जुड़ी हुई है पूरा, ये पूरा सिस्टम जोड़ा रखा है इन्होंने। 3-4 कॉलोनियाँ आपस में जुड़ी हैं, इधर से भी जाती है, तो बड़ा सही है। मतलब यहाँ पे मैंने देखा जैसे कमर्शियल बीच पे होटल्स वगैरह होते हैं, होटल से ज़्यादा मतलब ये सोसाइटी है और इसी में रह रहे हैं लोग। होटल्स वगैरह नहीं है ज़्यादा, है ना, सोसाइटी सी है वो, एक एक महीने के लिए वहीं पे रह जाते हैं ये लोग। लग रहा है बेच भी रहे हैं इसको, देख फॉर सेल। हाँ। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं अपने हॉस्टल से और बज रहे हैं 5-6 बजे की हमारी बस है जो जाएगी कहाँ से, फुकेट टू जाएगी बैंकॉक। तो जल्दी जल्दी हम जाते हैं टर्मिनल 2 पे, यहाँ बोलते हैं टर्मिनल 1 है एक बस का, तो टर्मिनल 1 से बस जाती है टर्मिनल 2 बस, उस पर बस स्टॉप पे, तो पहले वहाँ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कौन सी बस है। नहीं हुई तो टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्सी मांग रही है 300 baht, मतलब 700-800 रुपये 3 किलोमीटर के। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार देख लेते हैं, वो बोल रहा है टर्मिनल 1 से बस जाती है थोड़ी थोड़ी देर में 15-15 baht लेती है, तो उससे चले जाओ, हॉस्टल वाले ने बताया हमें। हाँ बस टर्मिनल 2, हाँ हाउ मच? फोर्टी बार टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 2 छोटा। वी वांट टू गो टू बस टर्मिनल 2 तो नंग टुक टुक ไป ที่ ตรง ไหน อ่ะ อะไร อ่ะ ก็ ไป บก 2 มั้ย บก 2 บก 2 2 ไป10 ไป 10 เข้าใจ มั้ย ครับ You can go with them. How much you think? เท่าไหร่ ไป บก 2 2 บก 2 2 หรือ เขา ครับ ครับ ผม รู้ จัก ครับ ครับ เท่าไหร่ 8 เอา 80 บาท 2 คน 80 นะ ครับ 2 คน 80 บาท 2 คน 80 บาท 80 บาท 80 บาท हाँ ओके 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 थैंक यू सो मच। ओके वेयर यू कम फ्रॉम? इंडिया। ओह इंडिया, या। तो भाई ये आज हमारी बढ़िया अनोखी सी राइड है। या ओके या बाय बाय थैंक यू। ये भी अच्छा है ना, अस्सी बात में तो ये हमें बढ़िया लगा ये स्कूटर सा हमारा। बस अंकल समझ गए, अंकल को वैसे समझा तो दिया था कि भाई बस टर्मिनल समझ ही गए किधर को जा रहे, बस टर्मिनल 2 उधर। हाँ ओके ओके ये भी ठीक है, यहाँ पे अलाउड हमारे तो चलान काट दें इस बात के, है ना, हमारे तो कह देंगे भाई ये क्या सिस्टम बनाया था अपने रिक्शा का, पर ना कहाँ काटे हैं रिक्शे तो चलते ही हमारे यहाँ वो कौन सा रिक्शा। अच्छा है ड्राइवर अपना अलग बैठा है, यहाँ पर बैठ जाते हैं गाइस। देखते हैं अब कितनी देर लगती है हमें पहुँचने में, ऐसा आंटी ने समझा तो दिया है, 40 बात ही बोला था ये पर पर्सन के। हाँ ये बात तो ठीक है। अंकल अजीब सा गाँव कर रहा है, समझ तो गए लेके तो सही रास्ते पे जा रहे हैं, पर पता नहीं क्या समझ में आया, भाषा नहीं समझ मारी। खैर फिलहाल हमें तो हमारे सही रूट पे लेके जा ही रहे हैं, उस बात से हमें क्या ही मतलब, क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। 12 मिनट 3 किलोमीटर बच रहा है, बाइक की हालत देखो क्या कर रखी है भाई साहब, हर जगह से छेद करके वेल्डिंग करके ये सिस्टम बना रखा है। अंकल पहले इतना स्माइल करते हुए लेके जा रहा था, पता नहीं एकदम से मैंने मैप दिखाया तो भड़क गया, कह रहा यहाँ ही घंटा पड़ो। अंकल की तो स्पीड चेंज हो गई है ना, थोड़ा और गुस्सा दिला। स्पीड भी अंकल की बिल्कुल चेंज हो गई, थोड़ी सी अंकल अब भगा रहे हैं। हमें जो टैक्सी बता रही थी 250 baht बता रही थी, और फिर उस हमारे हॉस्टल के ओनर ने बोला कि भाई 250 baht नहीं देंगे तो बस टर्मिनल चले जाओ, वहाँ से 15-15 baht में
वो जाती है, क्या कहते हैं, बस हम वहीं जा रहे थे तभी मिल गया मैं ताऊ विद जॉइंट ये ट्रोली। अब ताऊ ने बोला 80 बात में पहुँचा दूंगा तुम दोनों को, तो मैंने कहा भाई बढ़िया ये तो पहले 40 बात पर्सन ही बोल रहा था वो, फिर एक आंटी आई तो उन्होंने एडजस्ट करके बता दिया। अब पता नहीं ताऊ को मैंने मैप दिखाया था, ताऊ एकदम भड़क गया, और ताऊ ने स्पीड बढ़ा दी है। खैर अपन पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, रीसेंटर कर देता हूँ मैं। हाँ ढाई किलोमीटर ही रह गया, बस 11 मिनट बता रहा है, 5:18 पे हम पहुँच जाएंगे। तो गाइस ताऊ फाइनली हमें ले तो आए हैं टर्मिनल 2 पे, बढ़िया ले आए हैं, गुड गुड, वेरी गुड गुड। मुझे ऐसा लग रहा था ताऊ समझ नहीं रहे क्योंकि मैप दिखाने में पता नहीं आले वाले से गा रहे थे, यहीं से बस जाएगी अपनी फुकेत की तरफ, हाँ बैंकॉक की तरफ। फुकेत ऐसा दिमाग में चढ़ गया कि फुकेत फुकेत ही चल रहा है, ये तो कोई ये जा रही है पीछे बैंकॉक टू फुकेत, ऐसी सी एक बस होगी जो पीछे जा रही है। वाले वाले से गा रहे हैं भाषा का भी सिस्टम अलग ही है। तो ये है इनका बस टर्मिनल, वैसे दो हैं, वन भी था, अगर वन से होती तो कितना बढ़िया होता। हाँ तो ये लो भाई ताऊ ने कर दिया था, पास से ये भी है 2-3 किलोमीटर ही है। हेलो ताऊ ने कर दिया है भाई काम, हाँ ट्रैफिक भी बहुत था, ये चढ़ भी रही है भाई, ये तो ले तीन बंदे को लेके चढ़ गई, और क्या चाहिए अभी। सामान भी है पूरा देखियो, और बिल्कुल वहीं पर छोड़ेंगे गेट पर भाई, ऐसे नहीं है तभी मान लिया हल्के में, ना उन्हें अपना पूरा पैसा वसूल दिया भाई, कोई बात नहीं, वरन भी पूरा मारते हैं भाई। चलो